नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल घरेलू ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फटी हुई प्लाजो से जो रिजेक्ट हो चुकी है उस प्लाजो से हम टॉप कैसे बनाएं। बहुत ही सुंदर लग रही है, ये देखिए। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है प्लाजो, क्योंकि ये प्लाजो खराब हो चुकी है। इसे मैं बनाऊंगी टॉप, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे बनाने के लिए ये देखिए, ये एक पैर है और ये एक ये है। इसे मैंने इस तरह से टू फोल्ड कर लिया है, दोनों पैर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फटा हुआ है, ये फटा हुआ है, यहाँ से हम इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से ये देखिए मैंने दोनों पैर कट कर लिए हैं। ये देखिए एक पैर नीचे है और ये एक ऊपर है। अब ये मैंने इस तरह से अभी खोले नहीं है, दोनों साइड बंद है, ये वाला भी दोनों साइड बंद है। अब मैं टॉप कट करूंगी, इसके लिए हमें अपने टॉप की लंबाई चाहिए। मुझे लेना है 18 इंच, मैं यहाँ से 18 इंच कट करूंगी। जहाँ हम कट करेंगे नेक, तो नेक के लिए मुझे लंबाई चाहिए, मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। देखिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ये इधर नीचे से आरम लेंगे 3 इंच, दूसरे से इस तरह से मिला देना है, और ये आधा इंच गैप करके इस तरह से ये गला काट लेना है। अब आर्मोर के लिए हमें चाहिए 3 इंच, यहाँ से आर्मोर हम लेंगे 6.5 इंच। इन्हें एक दूसरे से मिला देना है, और चेस्ट ले रही हूँ मैं 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब ये देखिए आर्म और कट करने के लिए हम लेंगे 1 इंच, यहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे, और इसे हम इस तरह से गोल कर देंगे। देखिए टॉप पार्ट कट करने के लिए हमें ऊपर ये शोल्डर थोड़े 1/2 इंच यहाँ से गिरा देंगे इस तरह से। देखिए मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब हम नीचे साइड लगाएंगे, इसको इस तरह से सीधा कर देना है। हम इसकी सिलाई करेंगे, ये देखिए
एक पार्ट ये है हमारा और एक ये है, दोनों कट कर लिए हैं। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। देखिए मैंने एक दूसरे पर ये सीधे रख लिए हैं, ये उल्टा है ये सीधा है इस तरह से। अब हम इन दोनों को, ये शोल्डर है, इनकी हम सिलाई करेंगे इस तरह से। इन दोनों को हमें जोड़ लेना है इस तरह से और ये वाला भी जोड़ लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैंने जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके लिए ये गला है, इस पर हम लगाएंगे और एक पट्टी जो इसके लिए हम कट करेंगे। ये बोन काटने के लिए मैंने ये ब्लैक कलर का प्लेन कपड़ा ले लिया है जो कि बिल्कुल रिजेक्ट है। इसे हम तिरछा काट लेंगे, दो पट्टियां निकाल लेंगे नेक के लिए। तिरछाई काटना है दोस्तों। देखिए मैंने ये काट लिया है, इन्हें अब हम इस तरह से जोड़ देंगे, सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसको इस तरह से रखेंगे दोनों को और इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए नेक के लिए मैंने पट्टी बना ली है ये इस तरह से। अब देखिए नेक को इस तरह से रखेंगे हम और ये नेक पर पट्टी, ये उल्टा साइड है, इस साइड हम इस तरह से पट्टी रख के और ये पट्टी इस तरह से खींचते जाएंगे और यहाँ गोल गोल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो चलिए हम लगाते हैं सिलाई। देखिए मैंने पट्टी को सिल लिया है। अब इसको आगे की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई, यहाँ पे इस तरह से गोल गोल करके सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, ये नेक हमारा हो गया तैयार। अब हम यहाँ पे लगाएंगे झालर, आगे साइड हम झालर लगाएंगे। झालर के लिए मैंने पट्टी ले ली है, पट्टी मैंने 5 इंच की काट ली है इस तरह से लंबी। आपको जितनी प्लेट चाहिए उस तरह से काट सकते हैं आप। मैंने इतनी बड़ी काट ली है, यहाँ से इतने में प्लेट लगा देंगे। चलिए अब प्लेट लगाते हैं। सबसे पहले मैं इस तरह से प्लेट लगाऊंगी। देखिए मैंने ये उल्टा रख लिया है, ये सीधा। इस पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इस तरह से प्लेट डालते हुए। छोटी छोटी डालना है आपको, जिस तरह से डाला मैंने छोटी छोटी डाली है, बहुत ही अच्छी लगेंगी। ऐसे ऐसे करके यहाँ तक हम डाल देंगे प्लेटें। देखिए मैंने ये प्लेट लगा ली है। अब हम इसको नीचे इस तरह से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे 2 बार और यहाँ सिलाई लगाएंगे पूरे में। देखिए अब मैंने ये सिलाई कर ली है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम ये शोल्डर तैयार करेंगे। जिस तरह से मैंने ये नेक पर पट्टी लगाई थी उसी तरह से इस साइड भी लगा लेंगे और इस साइड भी लगा लेंगे। और अगर आप बाजू लगाना चाहते हो या लेयर वाली लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। अम्ब्रेला लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। जैसा चाहो आप वैसा लगा सकते हो, नेट की बाजू लगाओ या कैसी भी लगाओ, बहुत ही अच्छी लगेंगी। मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ इस तरह से वो पट्टी लगा देंगे बस। देखिए अब इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे, इस तरह से उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने के बाद जितना आपका साइज हो उतना लगा सकते हैं। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे
देखिए हमारी टॉप बन कर तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप एक बार बना के जरूर देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।